अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मैं जान की टोटीज छोटी छोटी एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी जहाँ वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ठोक दो, क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो ना, आपका क्या जाता है कुड़ियों ही। अच्छा जी, आज वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा गौर से देखिए जी और पूरी सुनिएगा। उससे पहले थके हुए दिलों के लिए पैगाम, थके हुए दिलों के लिए पैगाम। क्या दिल भी थक जाते हैं? जी हाँ, दिल भी थक जाते हैं इस दुनिया के रवैये, इसकी बेरुखियाँ, इसकी बदसलूकियाँ, इसके बदले हुए लहजे। दुनिया है ना, इसकी अजियतें देने वाले ताने, ये सब दिलों को थका देते हैं। मगर इन थके हुए दिलों से कह दो, अल्लाह मौजूद है। और हमें ऐसा बनना है जो थकन के बावजूद मंजिल पर पहुंचना चाहता है, बिल्कुल, और ना पहुंचने पर भी उम्मीद नहीं खो देता, बल्कि मर कर जी उठता है। आए है या रब, ऐसी बारिश भेज जो हमारे आंसुओं को भी धो डाले और इन परेशानियों को भी पिघला दे जो अरसे से हमारी पसलियों में जम चुकी है। ऐ मौसमों के बदलने वाले रब, हमारे दिलों की खजां को बहार में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। थके हुए दिल जो होते हैं ना, कुछ लोग थक के मायूस हो जाते हैं। मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है। मायूस नहीं होना, हिम्मत, हौसला, सब्र, इसके साथ चलना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात देखे हैं, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन शिकवे नहीं किए मैंने। मैं ना छोड़ देती हूँ हालात पे, देखती हूँ कि आगे क्या होगा, अच्छा ही होगा, चले अच्छा ही होगा। सब्र किया है हमेशा और अल्लाह ने उसका जो अजर दिया है ना, बहुत बड़ा दिया है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन फौरन नहीं आप लोगों ने जो है घबरा जाना। बड़ी प्यारी बात की हमारी एक सिस्टर है आमिना, बहुत प्यारी सी बहन है हमारी, हमारी लाइव में आती हूँ तो कह रही थी हमारा बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया, बस दुआ करते हैं आप लोग सब मिलके। तो मैंने कहा है अल्लाह पता नहीं क्या नुकसान हो गया है। तो जब उन्होंने बताया कि भाई, मैंने पूछा, इसरार किया मैंने, तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हमारा बहुत बड़ा पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन मैंने ना, मेरे हस्बैंड परेशान थे तो हमने सब्र कर लिया है, सब्र किया। आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, जिसको आपका कुछ हुआ है ऐसा नुकसान और आपने फ़ौरन कहा है कि अल्लाह मदद करेगा और अल्लाह है ना। वैसे तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं ना जब कोई ऐसी कोई परेशानी आती है। हमारे साथ भी एक बार हुआ था, मैंने बताया था पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, बहुत बड़ा। तो खैर हम तो कम उम्र थे ना, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो दिल बर्दाश्त हो गए थे, लेकिन बाद में समझ आई कि नहीं भाई, हम पैसे को कमाते हैं, पैसा हमको नहीं कमाता, ये याद रखिएगा। तो सब्र कर लेने से आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ठीक है जी, आसान हो जाती हैं। तो सब्र करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, कहते हैं कुछ लोग दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर और किसी की सादगी और मुसीबत का फ़ायदा उठाकर ये समझते हैं कि वो बहुत कामयाब हैं, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ऊपर एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है, जवान जो उनके हर अमल से वाकफ़ है, और जो कुछ वो बो रहे हैं वो उन्हीं की तरफ एक दिन लौटाया जाएगा। जो बो रहे हैं ना आप, उसको आपकी तरफ ही लौटाया जाएगा, ये याद रखें। अच्छा, यहाँ पे असगर साहब की कम्युनिटी आई, आशा की कम्युनिटी आई, उससे पहले डूडू की भी कम्युनिटी आई। तो जनाब डूडू ने कम्युनिटी लगाई कि उसकी वाइफ ने मेरे पे किया केस, और उसके बाद उनका स्क्रीनशॉट कहाँ है यार, है मेरे पास पता नहीं। तो उसमें जो है उन्होंने काफ़ी सारे जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं मुसलसल, कहते हैं कि भाई वो कहती हैं कातिल है, कातिल है, उसकी छमियाँ को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर कहते हैं कि वो पैसे मांगते हैं, भारी रकम वो कर रहे हैं, उर्दू में लिखा हुआ है ना, मुतालबा कर रहे हैं। किस पे इल्ज़ाम लगाए हैं जनाब? जिस मोहतरमा पे केस किया। बड़ी हंसी,
बहुत हसीन है। मैंने कहा अच्छा, वैसे तो जनाब सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पब्लिक को, जनता को, आप लोगों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। वो इसलिए कि दो बड़े बड़े से ग्रुप लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, रिएक्शन वाले उधर से भी इधर से भी कह रहे थे आपस में ही केस लड़ो, आपस में ही सुलझाओ सारी चीज़ें। तो जरा रुख जो है हेटर से हटके, मैं जो नॉर्मल रिव्यू रिएक्शन दे रही होती हूँ, बकायदा पॉइंट लिख के कि मेरे से कोई लफ्ज ऊपर नीचे ना बोले जाए, हाश ना बोले जाए, उस बंदी पे किया इन्होंने। कितना बड़ा जबरदस्त कहा, जबरदस्त, वाह वाह वाह, केस कर दिया गया है, जो कि आज तक ना उस साइड से किया गया, हालांकि खतरा उस साइड पे था, चलो वो कर भी देती वड्डी है तो उस साइड पे था, या फिर इस साइड पे था कि सितारा कर देगी इन लोगों पे। तो खैर फिलहाल तो कहीं नहीं हुआ, इधर ही हुआ है, पहले मरियम पे हुआ था उधर से, और इधर से जो है एक मैं बचती थी, और मुझे यकीन माने अंदाजा था कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे भी बीच में रगड़ा जाएगा, तो रगड़ा गया, लेकिन डूडू की तरफ से। वो डूडू जिसको मेरा भाई कहते थे ये लोग, कुछ लोग, कुछ फसाद आंटियां, और कुछ फसाद आंटियां कहती थीं कि ये इसका यार है, और कुछ लोग सज्जू के बारे में भी यही अल्फाज बोलते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहती थी यार देखो, मैं एक नॉर्मल, एक बड़ी साइड पे रहने वाली बंदी हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत अर्जेंट लाइवें शोर शाबा, इसकी उतार के फेंक, उसकी उतार के फेंक, ये वाला लहजा, ये वाली चीज़ें नहीं रखी मैंने। एक टाइम था पीक पे बात की, उसके बाद थम गए, साइड पे हो गए, अपने नॉर्मल चीज़ों में आ गए, नॉर्मल रिव्यू रिएक्शन बोल रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन पकड़ा किसी, उसी बंदी को जो बाकायदा मेरी ये भी बड़ी टॉन्टिंग बाजी चीज़ें हुई थी कि भाई ये लिख के बैठती, तो हाँ इसलिए लिख के बैठती कि मेरे से कोई अल्फाज ना ज़्यादा अदा हो जाए, नॉर्मल तरीके से रह के अपने काम से काम रखूँ। तो जनाब जो केस था वो कहता था नहीं, मैंने किसी पे भी नहीं होना, जो हार्श बोलते हैं, गालम गलोच करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, किसी पे भी नहीं होना, होना किस पे है, मुल्तानी पे होना है। तो ठीक है जी, अभी तक मेरे घर में नहीं पहुंचा, मेरे घर का इनको एड्रेस का भी पता है, आए हुए भी हैं, तो अभी तक मुझे तो नहीं मसूल हुआ, लेकिन जब मेरे घर आएगा तो फिर करेंगे फेस, और घबराने वाली मैं हूँ नहीं, मदद के लिए बुलाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास टीम है, ठीक है जी, वो हैंडल कर लेंगे। अच्छा उसके बाद जो है फिर देखेंगे क्या करते हैं, समझ आ रही है ना, फिर देखेंगे। मैं चीखूंगी भी नहीं, चिल्लाऊंगी भी नहीं, ना मैं जो है इस तरह करूंगी, लेकिन जो इल्जामात लगाए गए हैं वो आप सब गवाह हैं। पहले आज से 8 दिन पहले मेरे पे हमला किया गया 3 से 4 लोगों की तरफ से, गंदे वाले मेरे पे रिएक्शन बनाए गए, मेरे पे गंदे गलाजत वाले रिएक्शन बनाए गए, किरदार कशी की गई, बहुत ज़्यादा हरेस किया गया, बिला वजह टारगेट किया गया, उसके बाद मुझे उकसाया गया कि भाई ये भी हमें वैसा जवाब दे और हम कुछ करें। लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं कुछ किया तो ये जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे लगाए गए हैं। अल्लाह की मार पड़े अगर मैंने ये वाले अल्फाज इस औरत को बोले हों तो, ठीक है। तो जब मैं, मुझे उकसाया गया, मैं नहीं उस तरीके से जवाब मैंने नहीं दिए उसी तरीके से जैसे ये दे रहे थे, तो उसके ऊपर इन्होंने गलत एलिगेशन लगा के मेरे पे तो नोटिस टाइप एक जो है बनाया हुआ है इन्होंने, और कम्युनिटियों पे लगाया हुआ है, और नहीं जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, ऊपर अल्लाह और नीचे मेरा हस्बैंड, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। अच्छा लानत है ऐसे लोगों पे, ये मैं ज़रूर बोलूँगी, जो मेरे पे घटिया इल्ज़ाम लगाते रहे कि मैं इस बंदे के साथ मिली हुई हूँ या मैं इससे रिएक्शन दिलवाती रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोलते रहे हैं मेरे पे, ठीक है जी, झूठ बोलते रहे। अभी कुछ आंटियाँ, फसादी आंटियाँ जो वड्डी को सपोर्ट करती हैं, वो जा के कमेंट कर रही हैं उकसाने वाले, तो करते रहो, हमारे जूते को भी परवाह नहीं है, तुम लोगों की आइडियाँ सब हमें याद हैं,
ठीक है, आप लोग करते रहो, आप लोग ऐसे ही अपना जो है फसाद फैलाते रहो, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है अगले बंदे के लिए आप प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे हो। तो खैर, ये जो डूडू है, इस डूडू की वजह से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्टर से भी डांट पड़ी, मुझे हेटर से भी गालियां पड़ी, मुझे काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट्स में भी बुरा भला बोला कि यार ये बंदा जो है ये खतरनाक है, ये सितारा का दुश्मन है। हमेशा से मुझे टारगेट किया गया, हमेशा से। अच्छा जी, रिश्तेदारों से भी मुझे सुननी पड़ी, हालांकि मेरा इन लोगों से कोई ऐसा वैसा राबता तल्लक नहीं था। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे राज निकलते, चीजें निकलती। साथ कोई गुफ्तगू, चीजें कभी भी, नथिंग, कुछ भी नहीं। फैमिली के साथ आए, हेलो हेलो हुई, उसके बाद तुसी कौन थे, ऐसी कौन, कोई इससे बढ़ के कोई भी बात नहीं करती रही मैं, ना मेरी होती रही है। अच्छा, इस इंसान की वजह से मुझे हमेशा ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया, हमेशा। ये होता है, मैं लोगों को कहती थी नहीं यार मेरी नहीं है, मैं बस वैसे ही सबके साथ नॉर्मली हालात रखती हूँ, नहीं है मेरी किसी से। कोई भी नहीं मानता था, कोई भी नहीं मानता था। आज आप लोगों को यकीन आया। और ऐसे ही कुछ ग्रोह, ये साजिद साहब के बारे में भी कहते हैं, साजिद भाई के बारे में, कि नौशीन उनसे कम्युनिटियां लगवाती है। क्या वो नूने बच्चे, क्या वो हमारी उंगलियों पे नाचते हैं, क्या वो मिच्योर नहीं है, क्या उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है? तो ये बकवासियात आप लोग अपने पास रखा करें, ठीक है। हर बंदा अपने तरीके से चलता है। अब डूडू चल लिया, अपनी तरीके से चला है ना। तो जो मेरे पे इल्ज़ाम या मेरे पे बहतान लगाते थे, तो उन लोगों को पता चलना चाहिए। अपना अभी हम पढ़ते हैं ये, और बाकी जो है डरने डरने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन दुख ज़रूर लगा है कि यार मैंने इस बंदे के लिए बातें सुनी, और बहुत ज़्यादा सुनी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो है हम बात करेंगे असगर की। उसने अपनी बहन के लिए कम्युनिटी लगाई है, आशा ने वीडियो बनाई थी, और उसने कहा था कि मेरे मेरी भाभी ने मुझे मुबारकबाद वीडियो बना के नहीं दी, या कमेंट में ही आ जाती, वहाँ पे भी नहीं दी, लेकिन अपनी भांजी के लिए सोशल मीडिया पे आके बाकायदा वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं भी इनकी बहन हूँ, मुझे भी इसी तरह से ये लोग अप्रिशिएट करते और इस तरह से वीडियोज़ बनाते। तो उसके जवाब में उनके भाई ने जो है कम्युनिटी लगाई है और कहा है, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपने बहुत अच्छा किया, हमें बुरे पर, हमारे बारे पर हैं, बुरे पर आपने जो किया वो तो बताएं, मतलब हमारे बारे में तो आपने बोल दिया, अपने बारे में तो बताएं। नंबर वन, मैंने आपसे बात करना इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको मैंने मना किया था कि इस्लामाबाद ना जाओ, पर आप फिर भी गईं। उन लोगों ने घर आने से मना किया, फिर भी आप उनके घर जबरदस्ती गई, और उन्होंने घास तक नहीं डाली, और उन्होंने घास तक नहीं डाली। नंबर टू, फिर उनके मीटअप के बाहर जाके बोलना कि मुझे अंदर आने दो, उनके मीटअप पे जाके ये बोलना कि मुझे आने दो, वहां पे पूछ के कौन आ रहा था, वहां तो फैमिलियां थी, फैमिलियों को कौन रोक सकता है, हर बंदा सीधा आ रहा था। मुझे ये समझ से बाहर है, अगर कोई रोकता तो वो किस तरह से, ये मुझे समझ नहीं आई। खैर, कहता कि मुझे अंदर आने दो, ये भी तुमने कहा। अब्बू को कॉल करके बोला कि मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ, जब आप लोगों ने किसी की बात नहीं सुननी होती। अरे फेस रिवील करना है तो उसका हस्बैंड है, शादी के बाद तो हस्बैंड होता है ना, शादी के बाद तो हस्बैंड की सुनी जाती है ना, औरत हस्बैंड की सुनती है ना। आपकी बीवी तो आपके लिए पर्दा करती थी ना, तो ये अब्बा के लिए करती है, ये भी समझ से बाहर है। तो आपकी जब वाइफ कर सकती है पर्दा रिवील, फेस रिवील, तो ये भी मेरे ख्याल से कर सकती है फिर अपने हस्बैंड से कह के, क्योंकि आपने तो इनकार कर दिया था बीवी के लिए। उसने फिर किसी भी तरीके से वो पर्दा उठाया, वो आपने इस पे डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, ठीक है जी। और ये कहते हैं कि तुमने अब्बा को कहा था मैंने फेस रिवील करना है, तो हस्बैंड ने इजाजत नहीं दी, अब्बा ने इजाजत देनी थी, ये भी सोचने से बाहर है। अब्बा तो खुद बीवी का फेस रिवील कर करके दिखाता है, मुंह के ऊपर कैमरा मारता है। खैर, उसने कहा कि तुमने किसी की नहीं सुनी, अपनी मर्जी करनी है तो हम फिर कौन होते हैं किसी के, हम लोग ना किसी के, कहते
कहते हैं कि जो है अब्बू को कॉल करके जो है फेस रिवील के बारे में कहा, और उसके बाद ना हम किसी के छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, आपको अली की मुबारकबाद इसलिए नहीं दी कि अगर हम लोग वीडियो बनाते तो डूडू जो है फिर से हम पे रिएक्शन देता, हैं डरते हो जैसे वो और जैसे तुम लोग जो है सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब खेलते हो और कुछ भी नहीं करते, तुम लोग ड्रामेबाज हो, तुम लोग सारे मिले हुए हो, ये बात याद रखना। अच्छा जी, कि हम पे डूडू जो है वीडियो बनाता रिएक्शन देता, अभी मैंने खुद कॉल पे आपसे बात की, फिर अली से बात की, और जो है मेरी बीवी ने भी आपसे बात की, फिर हम से मिस्टेक ये हुई कि वीडियो बना के मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि कॉल तो कोई माने मतलब मैंने ही नहीं रखती, वीडियो है सब कुछ भाई, वीडियो है मतलब आप कहते हैं पब्लिसिटी हो, शाउट आउट ना मिल जाए, तुम मतलब शाउट आउट लेना चाहती हो इसलिए कहती हो कि पब्लिक में आके बोलो वीडियो बनाओ, जिन लोगों को आप खुश करना चाहती हैं अल्लाह करे वो लोग आपको इस वीडियो के बिना आप पे आपको अपनी टीम में शामिल कर लें, आमीन कहता है। टीम तो बची नहीं है, सितारा तो सबसे दूर हो गई है, सबसे अलग थलग थड़ल थड़ल हो गई है भाई, उन कोई नहीं, जो होना था वो हो गया, सबके चेहरे देख लिए हैं। आज मुझे किसी ने लिंक भेजा हुआ था जब इस बंदे ने यही इसी तरह से सितारा के लिए कम्युनिटी लगाई थी कि तुम्हारी मैं वीडियो लीक करता हूँ, पिक्चर लीक करता हूँ, तो सितारा का आज मुझे वो लिंक किसी ने भेजा बहन ने, उन्होंने कहा कि देखें जी ये अचानक से वीडियो आई है और कितना मतलब सितारा दुखी है, और तुन के रिश्तेदारों को रगड़ा दिया था सितारा ने उस दिन खुले खुले में आके, और साफ बोला था। आज भी वो वीडियो पड़ी है वो जो लाइव आई थी असर के टाइम पाकिस्तानी ग्रीन दुपट्टे में, उसमें सितारा रो भी रही है और कह रही है तू लगा दे मेरे लिए कम्युनिटी, तू लगा दे, तू नहीं तू लगा दे वीडियो पिक्चर जो लिखानी है तू लगा दे, ठीक है जी, ये मुझे क्या धमकियां दी हुई हैं तुम लोगों ने, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा, रिश्तेदार भी आते हैं वो भी कहते हैं हमें कम्युनिटी टलका दो, हमें कम्युनिटी लटका दो, ये आते हैं भर भर के, खबरदार मेरे घर कोई रिश्तेदार आया तो मेरे घर कोई रिश्तेदार ना आए, सॉरी जो भी आता है वो शाउट आउट लेने के लिए आते हैं, कैमरे खोल के बैठ जाते हैं यहाँ पे, खबरदार मेरे घर अब कोई भी रिश्तेदार ना आए, बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल खेल रहे हो, किसी के जज्बात से तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, इस तरह से अल्फाज सितारा ने बोले थे वो, मैंने देखा और मैं खुद भी बड़ी अफसरदा हो रही थी उसकी हालत देख के, यकीन माने दिल दुखी हो रहा था, तो इसी बंदे ने उसके लिए कम्युनिटी लगाई थी सितारा के लिए, तो देख लें यार ये लोग ना अपनी बहन को मतलब, इन्होंने कहा हमारे सब्सक्राइबर ना कम हो जाएं, व्यूज़ ना कम हो जाएं, तो इन्होंने फ़ौरन आके कम्युनिटी लगा दी, ना भी देते जवाब, दरगुजर कर लेते, अंदर फ़ोन से ही बात कर लेता हैं, तो लेकिन इन्होंने आके यहाँ पे ये बताई, अभी आधी कम्युनिटी बताई है आगे, और ज़रा सुनिएगा गौर से, तो उसके बाद जो है बड़ा दुख लगा मुझे सितारा के लिए, और मुझे सितारा के वो अल्फाज आज भी गूंजते हैं, सारा तुम लोग चैनलों के लिए कर रहे हो, वो कहता कम्युनिटी लगाओ, वो कहता कम्युनिटी लगाओ, वो कोई घर आता है तो भर भर के, पहले मैं जब भूखी मर रही होती थी तुम लोग कोई आते नहीं थे, अब जो है भर भर के आ रहे हैं मेरे घर और कहते हैं कम्युनिटियां लगा दो, आप ये कर दो, अब वो कर दो, खबरदार अगर कोई आया तो मेरे घर, तुम लोग लालची हो, तुम लोग चैनल के भूखे हो, तो अब भाई उसकी कोई टीम नहीं है, वो अपने सर पे आप ही है, अपने आप को खुद ही संभाला है उसने, और खुद ही वो आगे बढ़ रही है, सबके चेहरे सामने आ चुके हैं, सब एक्सपोज हो चुके हैं, बस वो अल्लाह तरसी करके, वही ज़रूरी भी है कि भाई रिश्तेदारों से बस ठीक है रखना चाहिए, बिगाड़नी भी बिल्कुल नहीं चाहिए, रखनी भी चाहिए, लेकिन उतनी हद तक कि आप मिलें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तक हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि गले की हड्डी कुछ लोग जैसे बन जाते हैं या आपके लालच के तहत जो लोग मिलते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से तो वैसे ही बंदा हेलो हेलो ही रखे तो अच्छा है, जो कि वो कर रही है, वो अपने तरीके से चल रही है, वो मियां बीवी सही चल रहे हैं, उनकी कोई टीम नहीं है, अपने काम से काम रख रहे हैं वो लोग, कहते हैं उस वक्त नहीं सोचा कि इस्लामाबाद वालों के साथ मेरे भाई की नहीं बनती, तो आपकी नहीं बनती ना, आपने ही नहीं बनाई थी ना, आपने तो आप लोगों ने तो गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो ये फिर भी उनकी अगर शाबाश है, अगर ये गई भी है उनके घर तो उन्होंने पानी भी पूछ लिया, ये बहुत बड़ा पन है, अगर पूरी बात का हमें नहीं अंदाज़ा कि ये कहाँ थी, रिश्तेदारों में थी, होटल में थी, जहाँ पे भी थी, उनके घर थी, हमें नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये कह रहा है कि तुम्हें नहीं था पता हमारी नहीं बनती, उनके घर क्यों गई तब भाई का ख्याल नहीं आया। कहता है फिर मीटअप में चली गई,
उन लोगों ने अंदर आने से मना कर दिया, तब भाई का ख्याल नहीं आया। फिर ड्राइवर को मीटअप पे भेजा के जाके वीडियो बना आओ। क्यों, सिर्फ व्यूज़ के लिए? तुम व्यूज़ के लिए ये मतलब कर रही थी? मैंने मना किया था इस्लामाबाद ना जाओ, तब मैं भाई नहीं था। तब आप लोगों को अपनी मनमानी करनी है, हमारी परवाह नहीं, तो हम क्यों आप लोगों के पीछे भटके हैं, भागते फिरे। और हमने नाना को कॉल करके मुबारकबाद दी थी, क्योंकि वीडियो बनाते तो उसके लिए फिर इस्लामाबाद में केस हो जाता। नहीं, उस पर नहीं होगा केस, डीडी नहीं होने देगा केस। अच्छा, ऐसे लगता है, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन उसका भाई है ना, ऐसा उनके मुस्तकबिल का सवाल है। अब तो माफिया मूफिया भी मेरे ख्याल से मांग ली हैं, तो ख़त्म हो गया मामला, अब क्या होना है। अच्छा, फिर जो है कहते हैं कि इस्लामाबाद में केस हो जाता, हमने के ना वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि उस पर ना केस हो जाए, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उस पर कोई मुसीबत आए। वो भी इस टाइम पे बाद में उसने खुद बोला कि आप वीडियो बनाएं, मैं किसी से नहीं डरती। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसके बिहाफ पे वीडियो मतलब बनाई है, वरना इन्होंने वीडियो नहीं बनानी थी ऐसे। तो आशा जो है वो कह रही है, थैंक्स भाई, आपने जो भी कहा सच कहा, अब मैं बताऊंगी असल बात क्या है, इसका मतलब इस बंदे ने, इसकी बेगम ने जो स्क्रिप्ट दिया है उस पे जो है इसने लिखा है। जो साजिद साहब अगर कम्युनिटी लिखते हैं तो उसमें भी सितारा लाजमी इन्वॉल्व होती होगी, क्योंकि मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि ये सितारा ने आई थिंक बोला था या साजिद भाई ने बोला था कि अब मैं रिएक्शन नहीं कम्युनिटी लगा दिया करूँगा, अब मैं इस तरह के रिएक्शन नहीं दूंगा। तो खैर, आखिर बीवी से तो मशवरा लाजमी लेते होंगे, अपनी मनमानी तो नहीं करते होंगे ना। तो ये साहब भी, जाहिर सी बात है, इनकी वाइफ ने इनको कहा है, जिस तरीके से कहा है इन्होंने भी वैसे कम्युनिटी लगाई है। तो ये जो कॉपी चल रहा है सारा कॉपी चल रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो नाराज़गी में ही सही, लेकिन बहन को फ़ोन कर सकता था, अंदर खाते बात भी ख़त्म कर सकते थे कि नहीं नहीं ऐसे मसला नहीं था। वो बहन फिर बाद में वीडियो बना देती कि भाई सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, ये मसला था, हमारी कुछ नाराज़गी थी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने ये वाली बात की है, और उसके बाद जो है बहन ने भी अब सुबह जवाब देना है, पता नहीं क्या जवाब देती है वो। लेकिन केस से जनाब डर के मारे वीडियो नहीं बना रहे थे, और बाकी बहन से जो है ये नाराज़ थे कि तुम वहाँ पे क्यों गई हो। हालांकि इसकी बहन ने बोला है कि मैं, मुझे मदद चाहिए थी, इसलिए जो है मैं अपने बेटे की वजह से दर बदर रुल रही थी, या मैं इतना दूर तक गई थी, मैं अपने बेटे के लिए कर रही थी जो भी करना था। खैर, ये तो था इनका मामला। और यहाँ पे जनाब बेबी का नाम चेंज कर दिया गया है सितारा के व्लॉग में आज, लेकिन ये मैंने किसी के व्लॉग में आई थिंक नाम सुन लिया था, लेकिन मैंने रिवील नहीं किया था, मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन ये किसी के व्लॉग में आ गया था ज़रूर नाम। जनाब साजिद और कौसर ने हमें मतलब साथ में खाना खाते हुए नज़र आए कुछ देर के लिए। साजिद साहब ने व्लॉग बनाया सितारा का, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए साजिद साहब ने खुद व्लॉग बनाया, बेबी के साथ मस्तियाँ की हैं, ग्लव्स पहने हुए थे छोटे बेबी ने, और सर्दी की वजह से वहाँ ठंड है, तो कौसर भी नज़र आई, बेबी भी नज़र आया, साजिद साहब थे खाना शाना खाते हुए। उसके बाद जो है गाड़ियों के बारे में बताया साजिद ने कि दोनों गाड़ियां हैं, अब दोनों ही हम खड़ी नहीं कर सकते, पहले बड़ी खड़ी करते थे तो छोटी बाहर होती थी, अब छोटी अंदर खड़ी की है तो बड़ी बाहर होती है, अब दिल कर रहा है दोनों ही बेच के एक ही रख लो टेंशन हो रही है। तो वो कह रहे थे काली गाड़ी अब बेचनी है, उसकी जगह अब हम एक और नॉर्मल सी गाड़ी लेंगे, मतलब ऑटोमेटिक होगी लेकिन नॉर्मल होगी, जो कि बाहर खड़ी रहे और वो डेली इस्तेमाल में आए, जो बड़ी गाड़ी है वो बाहर अंदर आने जाने के लिए, लंबे सफ़र के लिए यूज़ होगी। तो वैसे तो इनको पहले गेट का ही सोचना चाहिए, अपना गेट ही लोहार को बुला के या ये उतार के ले जाएं, उसको कहें भी सेट सुट कर दे, तो वो सेट कर देगा मेरे ख्याल में उसी टाइम, काट के उसको जो है दूसरी साइड पर वो, या फिर इसी की सेटिंग कर देगा आगे पीछे करके कोई। तो खैर, वो नहीं हो पा रहा इनसे, तो गाड़ी जो है वो कह रहे हैं हम एक सेल कर रहे हैं। और नीचे कमेंट आ रहे थे कि तुम जो है नहीं चाहते कि सितारा जो है अपनी पसंदीदा कार में बैठे, तो तुम अपनी तरफ से ही ये बेचना चाह रहे हो आई थिंक, क्योंकि तुमने गाड़ी चलानी है इसलिए। खैर, अब ये अल्लाह बेहतर जाने दोनों की सोच से होगा या
क्या होगा ये, तो अल्लाह ही बेहतर जाने घर की बातें उनकी। अच्छा उसके बाद जो है सितारा ने अपना ड्रेस दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस यार, बहुत अच्छा लगा। आज वो बेड पे जो बिछाया हुआ था खूबसूरत लग रहा था, उसकी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बताए, आइडियाज़ बताए कि इस तरह से मैंने जो है इसको इस वो किया है, डिज़ाइन किया है, उसमें कैसे लेसेस लगाई हैं, शीशे की वो लगाई है, अपना लेस लगाई है गले पे, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस बनाया है, बहुत प्यारा ड्रेस बनाया उन्होंने, कलर बड़ा प्यारा है। उसके बाद जो है जनाब बेबी के साथ मस्तियाँ वगैरह करते हुए नज़र आए, सितारा, साजिद, कौसर सारे एक साथ हमें दिखे, और बेबी को कहा कि भैया अब हम बेबी कह 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 के ना अब ये बेबी वाला सही नहीं है, अब हम इसका नाम जो है वो रखते हैं। फिर इन्होंने तैयबा ने कहा इब्राहिम नाम जो है वो सही है, हम इब्राहिम रखेंगे, एक का नाम मुस्तफ़ा, एक का नाम इब्राहिम, बहुत प्यारे नाम हैं माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत नाम हैं। पहले भी इसी तरह ये लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम बता रहे थे, लेकिन रखा नहीं गया था, दो तीन नाम सेलेक्ट किए थे इन्होंने, लेकिन फिर वो वाले नहीं रखे थे, फिर इन्होंने ये वाला नाम अभी रखा है, क्योंकि वो अब्दुल आहद जो है वो सितारा का कहना है कि फिर वो अब्दुल बोलेंगे या फिर नाम ना एक लें, इस तरह से करके सिर्फ एक ही नाम रखते हैं जो नाम बिगाड़ा ना जाए बच्चे का, अक्सर नाम बिगाड़ के भी बोलते हैं ना, इसलिए। तो ये भी बहुत खूबसूरत नाम है इब्राहिम, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद है इब्राहिम नाम, तो अल्लाह नेक नसीब करे उस बच्चे के भी। खैर अभी मुझे इजाज़त नहीं, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।